आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मैच नंबर 9 के बारे में, जो कि खेला जाएगा बर्मिंगम फिनिक्स और ट्रेंट रॉकेट्स के बीच में। ये द 100 का 9वां मुकाबला खेला जा रहा है और ये मैच आपको 31 जुलाई को रात को 11 बजे ट्रेंट बीच नॉटिंगम या आपको ये मैच खेलते हुए नजर आ सकता है। इस वीडियो में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे आपको कौन से प्लेयर को कब ट्राई करके चलना है, कब ड्रॉप करके चलना है, कैसा रिकॉर्ड है इस वेन्यू पर और कैसा रिकॉर्ड है एक दूसरे के टीम के खिलाफ। सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको क्लियर समझा दूंगा। बाकी किसको स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना है एंड किसको जीएल में, ये भी आपको बता दूंगा और क्लियर कट बताऊंगा। ऐसा नहीं कि इसको भी ट्राई कर सकते हो, इसको भी ट्राई कर सकते हो, मैं क्लियर कट बता दूंगा कि इनको आपको ट्राई करके चलना है और इनको ड्रॉप करके चलना है, सिचुएशन भी बता दूंगा। बाकी 3 ट्रंप प्लेयर्स दूंगा जिसको यूज करके स्मॉल लीग में काफी अच्छा रैंक ला सकते हो। देखिए, जो अगर आपने हमारा पहले से वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम जो 3 ट्रंप प्लेयर्स देते हैं वो मैक्सिमम टाइम वर्क करते हैं, तो आज भी 3 ट्रंप प्लेयर्स देंगे, उनको यूज करना स्मॉल लीग में, काफी बेहतरीन रैंक ला सकते हो आप स्मॉल लीग में। चलिए, बाकी दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन कर रखा है तो ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको फाइनल एंड अपडेटेड टीम मिल जाएगा। देखिए, आफ्टर टॉस बहुत से चेंजेस होते हैं, लाइक प्लेइंग 11 में, पिच रिपोर्ट में, कौन से पिच नंबर पे हो रहे, सब कुछ अपडेट आफ्टर टॉस होता है, तो वो सब अपडेट के लिए मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट मतलब सब कुछ बता देता हूँ, वॉइस नोट को भी शेयर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो, आप अपने से टीम क्रिएट कर सको। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं, ये मैच आपको नॉटिंघम में जाएगा जहां का एवरेज स्कोर का बात किया जाए तो 170 रन है और हाईएस्ट स्कोर 261 रन 2 विकेट खोकर और लोएस्ट स्कोर 57 रन 10 विकेट खोकर बनाए। अगर वेन्यू पर बात किया जाए तो टोटल मैचेस यहां पर 69 खेले गए जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 40 और दूसरी बैटिंग करने वाली टीम ने 28 मुकाबले जीते हैं, वहीं एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा था। बाकी स्कोरिंग पैटर्न की बात किया जाए तो 150 के नीचे आपको 16 बार स्कोर बनाए और 150 से 169 के बीच में 17 बार, 170 से 179 के बीच में 18 बार और 190 के पार आपको 18 बार स्कोर बनते देखा गया है। पेसर और स्पिनर्स में आपको पेसर्स डेफिनेटली 79% विकेट लिए, 79 विकेट और स्पिनर्स आपको 39 विकेट। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात किया जाए तो 67% विकेट आपको पेसर्स ने और 33% विकेट आपको स्पिनर्स ने पिक कर रखा है। बाकी दोस्तों इस मैच में जो 4 मैचेस खेले गए वो भी आपको बता देता हूँ, जिसमें लास्ट मुकाबला ट्रेंट रॉकेट और बर्मिंगम फिनिक्स के बीच में खेला गया था जिसमें ट्रेंट रॉकेट्स की टीम 162 रन 6 विकेट खोकर 100 बॉल में बनाई थी और बर्मिंगम फिनिक्स ने 116 रन 9 विकेट खोकर इस टारगेट को चेस नहीं कर पाई थी। इस मैच में पेसर्स ने 10 तो स्पिनर्स ने 4 विकेट पिक किए थे। वहीं इससे पिछला मुकाबला मैनचेस्टर ओरिजिनल और ट्रेंट रॉकेट के बीच में खेला गया था जिसमें मैनचेस्टर ओरिजिनल की टीम ने 181 रन 6 विकेट खोकर 100 बॉल में बनाए थे, वहीं पर ट्रेंट रॉकेट की टीम ने 171 रन 5 विकेट खोकर 100 बॉल में इस टारगेट को चेस नहीं कर पाई थी। इस मैच में पेसर्स ने 11 तो स्पिनर्स ने 0 विकेट पिक किए थे। वहीं इससे पिछला मुकाबला नॉर्थन सुपर चार्जर 142 रन 6 विकेट खोकर 100 बॉल में बनाए थे, वहीं पर ट्रेंट रॉकेट की टीम ने 139 रन 7 विकेट खोकर 100 बॉल में इस टारगेट को चेस नहीं कर पाई थी। इस मैच में पेसर्स ने 8 तो स्पिनर्स ने 4 विकेट पिक किए थे। वहीं से पिछला मुकाबला ट्रेंट रॉकेट और साउदर्न ब्रेव के बीच में खेला गया था जिसमें ट्रेंट रॉकेट्स की टीम ने 133 रन 8 विकेट खोकर 100 बॉल में बनाए थे, वहीं पर साउदर्न ब्रेव की टीम ने 127 रन 10 विकेट खोकर 100 बॉल में इस टारगेट को चेस नहीं कर पाई थी। इस मैच में पेसर्स ने 14 तो स्पिनर्स ने 2 विकेट पिक किए थे। देखिए, जनरली जो ये लास्ट के 2 मुकाबले द 100 के बीच 100 का खेला गया है 2024 की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको स्पिनर्स को सपोर्ट ज्यादा ही देखने को मिला है, मतलब एक स्पिन फ्रेंडली आपको पिच ज्यादा देखने को मिला है, बट यहाँ पर आपको पेसर्स काफी अच्छा करते दिख रहे हैं, मतलब 90% केस में आपको पेसर ही परफॉर्म कर रहे हैं। इस वजह से आप पेसर और स्पिनर्स दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलना है, क्योंकि क्या पता इस मैच में भी आपको स्पिन फ्रेंडली पिच तैयार कर दिया और जो पास्ट में जो मैचेस उसका ध्यान है, तो ये भी ध्यान रख के चलना। बात करते हैं टोटल मैचेस इन दोनों टीम्स के बीच में 5 खेला गया जिसमें बर्मिंगम फिनिक्स की टीम ने 3 जीते हैं, वहीं पर ट्रेंट रॉकेट्स की टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं। अगर बात करें रिसेंट फॉर्म का तो 5 में से 2 मुकाबले बर्मिंगम फिनिक्स की टीम ने और 5 में से 3 मुकाबले आपको ट्रेंट रॉकेट्स की टीम जीतकर आ रही है, तो यहां पर आपको हेड टू हेड में आपको बर्मिंगम फिनिक्स की टीम बेटर लग रही है बाकी रिसेंट में ट्रेंट रॉकेट की। अगर बात करें ओवरऑल 2024 की स्क्वाड की आपको बर्मिंगम फिनिक्स की, तो ट्रेंट रॉकेट की टीम थोड़ी सी फेवरेट बनके इस मैच में जा सकती है। चलिए बात कर लेते हैं बर्मिंगम की प्लेइंग 11 की, तो ऋषि पटेल, ए डोनाल्ड, लियाम लिविंगस्टोन, मोइन अली, जैकब बेथेल, उसके बाद डैन मुसली, बेनी हॉल, जेम्स फुलर, शीन अबोट, टीम साउदी और एडम मिलने, ये हो सकती है बर्मिंगम फिनिक्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो कि इस मैच में खेल सकती है। स्टार्टिंग ओवर आपको एडम मिलने, टीम साउदी और शीन अबोट कराएंगे, वहीं पर डेथ में आपको शीन अबोट, एडम मिलने और टीम साउदी, ये तीनों आपको डेथ में गेंदबाजी कराते दिख जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं बर्मिंगम के प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो ऋषि पटेल 3 25 7
5-1। हेड टू हेड और वेन्यू पर कोई मैच नहीं खेला है, बाकी फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग सबका यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। देखिए इतना अच्छा परफॉर्मेंस है नहीं और इनकी बैटिंग लाइनअप भी उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो मेरे हिसाब से इनको अब जीएल में ट्राई करके चलना, स्मॉलिंग में रिस्की रहेंगे ये डोनाल्ड भी आपके लिए स्मॉलिंग में रिस्की रहेंगे, तो जीएल में इनको भी ट्राई करके चलना, कोई खास रिकॉर्ड इनका भी है नहीं। बाकी लियाम लिविंगस्टोन 4 रन प्लस 0 विकेट, फिर 0 रन, फिर 36 रन प्लस 2 विकेट, फिर 54 रन प्लस 1 विकेट, फिर 11 रन प्लस 0 विकेट। हेड टू हेड में 5 मैच में 180 रन, 60 के एवरेज और 1 विकेट। वहीं पर वेन्यू पर बात की जाए तो 3 मैच में 106 रन, 35 के एवरेज और 1 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। बाकी वेन्यू पर और मतलब फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग का रिकॉर्ड आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। बाकी बात करते हैं मोइन अली, 0 विकेट 0 रन प्लस 0 विकेट, फिर 1 रन, फिर 103 रन, फिर उसके बाद बात करते हैं 0 रन प्लस 0 विकेट, फिर 59 रन, फिर यहाँ से 16 रन प्लस 2 विकेट। हेड टू हेड में 4 मैच में 117 रन, 29 के एवरेज और 4 विकेट। वहीं पर वेन्यू पर बात की जाए तो 2 मैच में 29 रन, 19 के एवरेज से और 2 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। देखिए बर्मिंघम के प्लेयर्स जो प्लेयर्स हैं उनमें से मैक्सिमम यही एक्सपीरियंस है जो बैटर और ऑलराउंडर में आप कह सकते हो, तो इन दोनों को अपने टीम में ट्राई कर सकते हो, दोनों इंपॉर्टेंट आपके लिए रह सकते हैं। बाकी जैकब बेथेल, इन्होंने लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया था बट बैटिंग ऑर्डर नीचे, और अगर स्पिन को सपोर्ट मिलता है तो स्पिन भी अच्छा खासा करा लेते हैं, इसके बेस भी इनको आप ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए इनको आप जीएल में ट्राई करके चलना। डैन मोस्ली 39 रन प्लस 0 विकेट, 1 रन प्लस 0 विकेट, फिर 11 रन, फिर 0 रन प्लस 1 विकेट, फिर 60 रन प्लस 1 विकेट। हेड टू हेड में 1 मैच में 2 रन, 2 के एवरेज और 0 विकेट। वहीं पर वेन्यू पर बात की जाए तो 1 मैच में 2 रन, 2 के एवरेज और 0 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है, तो इन दोनों को आप जीएल में ट्राई करके चलना। देखिए डैन मोस्ली और जैकब बेथेल उतने इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं रहेंगे, इस वजह से इनको आप जीएल में ट्राई करके चलना, क्योंकि दोनों का बैटिंग ऑर्डर नीचे और इस बॉलिंग से उतना मौका मिलेगा नहीं। बाकी जेम्स पुलर और बैनी हॉल, देखिए दोनों काफी अच्छे ऑलराउंडर है, बट ट्राई करना तो किसी एक को ही करना, क्योंकि मान लीजिए इनको अगर ओवर मिलता है तो इनका ओवर कट जाता है, ऐसा सिचुएशन में रहता है, तो कोई एक ट्राई करके चलना। बैनी हॉल ने लास्ट मैच में 24 रन भी स्कोर किया था और 1 विकेट भी इन्होंने पिक किया था। बाकी 5 मैच में 6 विकेट इनके हेड टू हेड में, और वेन्यू पर भी 3 मैच में 2 विकेट है, तो बैनी हॉल थोड़ा सा बेटर ऑप्शन होंगे आपके पास एज कम्पेयर टू जेम्स पुलर। बाकी सीन अबाउट 4 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 5 विकेट और 1 विकेट, हेड टू हेड में 1 मैच खेला और उसमें 0 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है, और वेन्यू पर कोई भी मैच नहीं खेला इन्होंने। और टीम सऊदी इनका देखिए, इनका काफी तगड़ा रिकॉर्ड है, ये वर्ल्ड कप से काफी तगड़े फॉर्म में है, तो इनको आप स्मॉल इनिंग में मिस मत करना, खासकर फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में थोड़ा बहुत चांस भी ले सकते हो। बाकी सैमुअल कुक लास्ट मैच में 2 विकेट मिला था इनको, और बाकी हेड टू हेड और वेन्यू पर कोई 3 मैच में 3 विकेट और वेन्यू पर 9 मैच में 10 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। बाकी बेंच पे इनके ये रहेंगे जेमी स्मिथ, टॉम हेल्म और क्रिस बॉक्स, अगर इनमें से कोई खेलता है तो इनका रिकॉर्ड आप ऐसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी देखिए स्मॉलिंग में इन दोनों को आप ड्रॉप करके चलना, ये दोनों आपके लिए उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। बाकी लियाम लिविंगस्टोन और मोइन अली एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इस वजह से इन दोनों को आप ट्राई करके जा सकते हो। जैकब बेथेल और डैन मोस्ली को आप जेल में ट्राई करके चलना, बैनी हॉल और जेम्स पुलर में से कोई एक ट्राई करके चलना, बैनी हॉल आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी सीन अबाउट टीम सऊदी, दोनों बेटर ऑप्शन होंगे, दोनों को अपने टीम में ट्राई कर सकते हो, और तीसरे ऑप्शन में आपके पास सैमुअल कुक होंगे जिनको आप ट्राई कर सकते हो, वो भी एक अच्छे खासे ऑप्शन हो सकते हैं। ये ट्रेंट रॉकेट्स के प्लेयर है, इनके 1 मिनट में आपको 11 यहाँ से टॉम एडम मिलने को, सर ये 11 प्लेयर होंगे बर्मिंघम फिनिक्स के, इनको आप अगर ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बट इन फर्स्ट इनिंग उतने अच्छे परफॉर्मेंस करके नहीं आ रहे, तो इनको आप जीएल में ट्राई करके चलना, तो ये 11 प्लेयर हो सकते हैं बर्मिंघम फिनिक्स के तरफ से। चलिए दोस्तों आपको एक बेहतरीन ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहां पर नहीं आपको टीडीएस पे करना पड़ता है, नहीं जीएसटी पे करना पड़ता है, ये बिल्कुल फ्री ऐप है। यहाँ पर जैसे 20,000 का आपको फ्री गिव वे मिलता है, 20,000 की बात कर रहा हूँ, 20,000 का फ्री गिव वे मिलता है, उसमें आप लाइक बहुत कुछ फायदा उठा सकते हो। यहाँ पर आपको लोएस्ट एंट्री फीस है दूसरे ऐप के मुकाबले, और भी बहुत से फायदे हैं, लाइक आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपको इंडिया का बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड मिलता है, लाइक जिसमें टॉप 10 में अच्छी खासी कार बाइक ये सब जीत सकते हैं। ये सब फायदे एक बार चेकआउट कर लेना, काफी अच्छा तगड़ा फायदा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से जाकर चेकआउट कर लेना। चलिए बात करते हैं ट्रेंट रॉकेट्स की प्लेइंग 11 की और पॉसिबल लाइनअप की। तो एडम लिथ, टॉम बेंटन, एलेक्स हेल्स, सैम मैन, रोमन पावेल, इमाद वसीम, राशिद खान, लेविस ग्रेगरी, जॉर्डन थॉमसन, लुक वुड और सैमुअल कुक, ये कुक सॉरी हो सकते हैं ट्रेंट रॉकेट्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 में। स्टार्टिंग और आपको लुक वुड, इमाद वसीम और सैमुअल कुक कराएंगे, और डेथ में आपको जॉर्डन थॉमसन,
लुकवुड और सैमुअल कुक आपको डेथ में गेंदबाजी कराते दिख जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं ट्रेंट रॉकेट्स के प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की। तो एडम लिथ 9, 12, 8, 22, 30, देखिए उतने अच्छा ऑप्शन नहीं है, ये स्विंग को संभाल भी नहीं सकता और सामने आपके पास टीम साउदी जो कि अच्छा खासा स्विंग एडम मिलने और सीन अबाउट होंगे तो वो उनके सामने उतना अच्छा नहीं कर सकते, जिनको आप जीएल में ट्राई करके चलना, स्मॉल लीग में उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। टॉम बेंटन इन्होंने 45, 66, 28, 8 और 79 हेड टू हेड में 3 मैच में 44 रन 22 कैवरेज और वेन्यू पर 2 मैच में 9 रन 4 कैवरेज से स्कोर कर रखा है इन्होंने। बाकी इधर से बात करते हैं एलेक्सेल्स 10, 6, 6, 36, 3 हेड टू हेड में 5 मैच में 137 रन 27 कैवरेज और वेन्यू पर 12 मैच में 298 रन 27 कैवरेज से स्कोर कर रखा है इन्होंने। सैम हेन 12, 49, 94, 52, 14 हेड टू हेड में 2 मैच में 53 रन 26 कैवरेज और वेन्यू पर 4 मैच में 116 रन 38 कैवरेज से स्कोर कर रखा है इन्होंने। बाकी रोमन पाविल 27, 12, 1, 36, 26 हेड टू हेड और वेन्यू पर कोई भी मैच नहीं खेला इन्होंने। इमाद वसीम 4 रन प्लस 2 विकेट 1 विकेट 17 रन प्लस 1 विकेट 2 विकेट और 4 रन प्लस 1 विकेट हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला और वेन्यू पर 2 मैच में 27 कैवरेज और 2 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। बाकी बात करते हैं राशिद खान जो कि एक इंपॉर्टेंट और ट्रम्प पिक रहेंगे आपके टीम में, सी के लिए काफी अच्छे ऑप्शन होंगे। लास्ट मैच में 15 रन 2 विकेट 55 रन 0 विकेट और 5 रन 3 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। बाकी हेड टू हेड में 3 मैच में 2 रन 1 कैवरेज और 2 विकेट वहीं पर वेन्यू पर 6 मैच में 27 रन 13 कैवरेज और 9 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। बाकी लेविस ग्रेगरी की बात की जाए तो 0 विकेट 2 विकेट 35 रन प्लस 0 विकेट 16 रन प्लस 0 विकेट और 6 रन प्लस 0 विकेट हेड टू हेड में 4 मैच में 17 रन 4 कैवरेज और 2 विकेट वहीं पर वेन्यू पर बात किया जाए तो 1 मैच में 0 रन 0 कैवरेज और 2 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। बाकी जॉर्डन थॉम्पसन 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और 1 विकेट हेड टू हेड में 3 मैच में 3 विकेट और वेन्यू पर 1 मैच में 0 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। बाकी लुकवुड का बात किया जाए तो 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट और 0 विकेट हेड टू हेड में 4 मैच में 4 विकेट और वेन्यू पर 10 मैच में 10 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। बाकी मैंने आपको सैमुअल कुक के बारे में बताई दिए जो कि लास्ट मैच में 2 विकेट इन्होंने पिक किया और हेड टू हेड में 3 विकेट और 3 मैच में बाकी वेन्यू पर 9 मैच में 10 विकेट इन्होंने पिक कर रखे है। देखिए अब चलिए बात कर लेते स्मॉल लीग किन को ट्राई करके चलना है। लिथुचा उतने अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे, बेंटन एक अच्छे खासे चॉइस रह सकते हैं, बाकी एलेक्सेल्स ठीक ठाक चॉइस रहेंगे, बट यहाँ पर अगर पेसर्स को सपोर्टर चाहे स्पिनर्स को सपोर्टर मिलता है तो यहाँ पर मैं उनको ट्राई नहीं करूंगा। सपोर्ट देखिए सपोर्टर लाइक इनको स्पिनर्स को ज्यादा ही फ्रेंडली कर दिया जाएगा इस वजह से। सैम एंड मिडल ऑर्डर के काफी तगड़े बल्लेबाज है तो चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं इनको ड्रॉप करके जा रहा हूँ, एक बॉलिंग फ्रेंडली मैं टीम क्रिएट करूंगा। बाकी पावेल उतने अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे, बाकी इमाद वसीम काफी तगड़े चॉइस रह सकते हैं स्मॉल लीग के लिए, इनको ट्राई करके जा सकते हो। राशिद खान डेफिनेटली, लेविस ग्रेगरी को भी स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो। थॉम्पसन पहली पारी में तो इनको डेफिनेटली मिस करके जाना ही जाना नहीं है। बाकी लुकवुड ठीक ठाक पिक रहेंगे और यहाँ से सैमुअल कुक सॉरी वहां पर मैंने बताया वो भी ठीक ठाक पिक रह सकते हैं। चलिए बात करते हैं बेंच पर जो रूट सी हैरिसन और टी एस लूप रहेंगे, अगर इनमें से कोई खेलता है तो रिकॉर्ड यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी सी एन बी सी की बात करते हैं, देखिए राशिद खान लियाम लिविंगस्टोन और इमाद वसीम तीनों अच्छे खासे ऑप्शन हो सकते हैं सीएनबीसी के लिए। बाकी ट्रम्प पिक में जैकोब बेथेल एडम मिलने और सैम हेन एक अच्छे खासे ऑप्शन हो सकते हैं, अगर इन तीनों में से किसी एक को तो आप ट्राई करके जाना, चाहे दो को भी जा सकते हो। सैम हेन को दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो, एडम मिलने को पहली पारी में ट्राई करके चलना और बैथल को भी पहली पारी में ट्राई करके चलना अगर इनकी टीम पहली पारी में बल्लेबाजी करे तो। बाकी बेंच यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, बेंटन को क्रिस वुड ने 53 बॉल में 2 बार, एबॉट ने 14 बॉल में 1 बार और मिलने ने 16 बॉल में 1 बार आउट किए। वहीं बात करें जब मोइन अली का तो 7 बॉल में 1 बार आउट किया एडम लिफ्ट को, वहीं मुस्ली को 10 बॉल में 1 बार और एलेक्सेल्स की बात की जाए तो मोइन अली ने 22 बॉल में 2 बार, सीन एबॉट ने 29 बॉल में 2 बार, वहीं सैम हेन का बात किया जाए तो मिलने ने 2 बॉल में 1 बार और मिले टॉम हेल ने 6 बॉल में 1 बार आउट किया। देखिए कोई खास रिकॉर्ड इनका है नहीं है कि यहाँ पर क्रिस वुड ने परेशान किया बेंटन को, बट वो इस मैच में अभी खेलने के कम चांसेस रखते हैं। और एक यहाँ पर मोइन अली, हाँ मोइन अली भी थोड़ा परेशान कर सकते हैं एडम लिथ को, ये भी थोड़ा ध्यान में रख के चलना। बाकी बात करते हैं बर्मिंगम फिनिश का तो ए डोनाल्ड को क्रिस ग्रीन ने 1 बार, सैमुअल कुक ने 1 बार, तो कोई खास परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा है। बैतल को यहाँ पर जो रूट ने 8 बॉल में 14 रन देकर 0 बार और हैरिसन ने 9 बॉल में 18 रन देकर 0 बार आउट किया है। वहीं मोइन अली का बात किया जाए तो राशिद खान ने 40 बॉल में 3 बार और लुकवुड ने 14 बॉल में 1 बार आउट किया, तो यहीं पर थोड़ा सा राशिद खान से संभल कर खेलना होगा इनको, बाकी उतना कोई परेशानी का सामना किया नहीं है इनको। ऋषि पटेल को थॉम्पसन ने 2 बार,
हैरिसन ने एक बार, लियाम लिविंगस्टोन को जॉर्डन थॉम्सन ने तीन बार और राशिद खान ने तीन बार। तो देखिए जो बर्मिंगम फिनिक्स के बैट्समैन है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है अगेंस्ट ट्रेंट रॉकेट्स के बॉलर, तो ये थोड़ा संभल कर खेलना होगा। बाकी दोस्तों अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि जो मैचेस का वीडियो हम यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाते हैं उसका वीडियो हम अपने सेकंड चैनल पे करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि देखो अगर आप वीडियो देख के टीम बनाते हो तो आपको हर एक प्लेयर का एनालाइज होता है, तो आप अपने से भी टीम क्रिएट कर सकते हो, तो ये वीडियो देखने का फायदा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं टीम का। तो देखिए हमने विकेट कीपिंग सेक्शन से बैंटन को ट्राई किया, बैटिंग सेक्शन से एलेक्स हेल्स, लियाम लिविंगस्टोन को ट्राई कर रखा है, ऑलराउंडर सेक्शन से इमाद वसीम, लुइस ग्रेगरी और जॉर्डन थॉम्सन, एक तरह ट्रेंट रॉकेट की तरफ से, और इधर से बैनी हॉल को ट्राई कर रखा है जिन्होंने लास्ट मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। बॉलिंग सेक्शन पूरा डिपेंड करता है कि कौन सी टीम पहली पारी में गेंदबाजी करती है। बाकी कैप्टन से मैंने राशिद खान को और वाइस कैप्टन से सीन अबाउट को दे रखा है। तो ये मेरी अभी के लिए डेमो टीम है, फाइनल टीम के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। धन्यवाद।